हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कार ड्राइविंग के पहले वीडियो में मैंने आपको बोला था, कार के अंदर के सारे कंट्रोल्स मैंने आपको दिखाया था और कैसे आप फर्स्ट गियर में डाल के गाड़ी को सामने ले जा सकते हैं, वो भी मैंने आपको बताया था। तो आज डे टू वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप स्टीयरिंग कैसे कंट्रोल करेंगे, क्योंकि गाड़ी जब आप चला रहे हैं तो हमेशा स्ट्रेट नहीं चला सकते, टर्न आपको लेना ही पड़ेगा लेफ्ट में राइट में। तो उस वक्त आप स्टीयरिंग कैसे कंट्रोल करेंगे वो आज मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। ये है आपका स्टीयरिंग व्हील और ये स्टीयरिंग को पकड़ने का भी एक प्रॉपर मेथड होता है जो कि आपको जानना जरूरी है। तो समझ लीजिए, ये जो स्टीयरिंग व्हील है ये एक वॉच है, एक घड़ी है। घड़ी में हमारा जैसे कि इस पोजीशन में लेफ्ट में यहाँ पे 9 रहता है और यहाँ पे राइट पोजीशन में 3 रहता है। तो आपको क्या करना है, आपका जो राइट हैंड है वो 3 में रखना है और जो लेफ्ट हैंड है वो 9 में रखना है, ऐसे जैसे कि मैं पकड़ी हुई हूँ ऐसे, ठीक है, ऐसे आपको रखना है अपना हाथ। ये है प्रॉपर मेथड स्टीयरिंग में अपना हाथ रखने का। आप पहले से सीख लेंगे तो बाद में मुश्किल नहीं होगी। तो ऐसे आपने पकड़ना है स्टीयरिंग को। नेक्स्ट दिखाने वाली हूँ कि कैसे आप लेफ्ट में राइट में टर्निंग लेंगे तो आप स्टीयरिंग कैसे कंट्रोल करेंगे वो मैं बताने वाली हूँ। इसके लिए बहुत एक ईजी मेथड है, उसको हम बोलेंगे पुश पुल मेथड। वो कुछ नहीं है, ईजी है। जैसे कि अगर अभी आप अपनी गाड़ी को राइट में टर्न करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, स्टीयरिंग के ऊपर आपका जो ये राइट हैंड है ऐसे यहाँ पे रखिए और राइट हैंड से स्टीयरिंग को ऐसे नीचे की तरफ पुल कीजिए और जो लेफ्ट हैंड है उससे स्टीयरिंग को ऊपर की तरफ ऐसे पुश कीजिए, ठीक है। राइट हैंड से पुल करना है और जो लेफ्ट हैंड है उससे ऐसे पुश करना है, ठीक है। राइट में अगर आप टर्न लेना चाहते हैं राइट में, तो राइट हैंड को स्टीयरिंग के ऊपर ऐसे रखिए और ऐसे नीचे की तरफ पुल कीजिए और जो लेफ्ट हैंड है उससे आप स्टीयरिंग को ऊपर की तरफ ऐसे पुश कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट अगर आप लेफ्ट में टर्न लेना चाहते हैं, लेफ्ट में अगर टर्न लेंगे तो क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड है वो स्टीयरिंग के ऊपर ऐसे रखेंगे और नीचे की तरफ पुल करेंगे और जो राइट हैंड है उससे स्टीयरिंग को ऊपर की तरफ ऐसे पुश करेंगे, ठीक है। लेफ्ट में टर्न लेंगे तो जो आपका लेफ्ट हैंड है वो स्टीयरिंग के ऊपर ऐसे रख के नीचे की तरफ पुल कीजिए और जो राइट हैंड है वो स्टीयरिंग के ऊपर ऐसे रखिए और ऊपर की तरफ पुश कीजिए, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। मैं प्रैक्टिकली चला के दिखा रही हूँ आपको इस स्टीयरिंग को लेफ्ट में राइट में आप मैक्सिमम कितना लिमिट तक घुमा सकते हैं वो दिखा रही हूँ। नाउ मूविंग टू एक्सट्रीम राइट एंड देन मूविंग टू एक्सट्रीम लेफ्ट। फ्रेंड्स, आपका जो स्टीयरिंग है वो सिर्फ फ्रंट व्हील्स को ही कंट्रोल करते हैं और जो रियर व्हील्स है मतलब पीछे के जो व्हील्स है वो सिर्फ फ्रंट व्हील को फॉलो करते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने लेफ्ट में कैसे टर्निंग लिया, राइट में कैसे टर्निंग लिया है, कितना स्टीयरिंग कैसे घुमाया है, मैंने आपको दिखाया है वीडियो में। तो ऐसे ही पुश पुल मेथड का आप अप्लाई कीजिए तो सीख पाएंगे स्टीयरिंग कैसे कितना घुमाना है। और जो न्यू लर्नर है टर्निंग लेते वक्त उनका हाथ ऐसे क्रॉस हो जाता है जो कि रॉन्ग है, ऐसा नहीं कीजिए। आप हमेशा स्टीयरिंग को ऐसे ही पकड़िए जैसे मैंने दिखाया है और टर्निंग लेते वक्त वो पुश पुल मेथड का अप्लाई कीजिए। प्रॉपर मेथड फॉलो करेंगे
तो सही रहेगा पहले से ही, सही सीख लेंगे पहले से तो बाद में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्टीयरिंग को आप हमेशा नॉर्मली पकड़िए, ना ज़्यादा टाइट पकड़िए ना ज़्यादा लूज पकड़िए। जो न्यू लर्नर है वो क्या करते हैं, स्टीयरिंग को बहुत टाइट ऐसे पकड़ लेते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। इतना टाइट भी मत पकड़िए, लूज भी नहीं, नॉर्मल ग्रिप रखिए स्टीयरिंग के ऊपर, ठीक है। फ्रेंड्स, आप न्यू लर्नर है, गाड़ी सीख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप सब सीख जाएंगे, टाइम लगता है सब कुछ को। मुझे भी बहुत टाइम लगा था कि कैसे कितना घुमाना है स्टीयरिंग, टर्निंग लेंगे आप तो कितना घुमाना है लेफ्ट में राइट में, वो सीखने में टाइम लगता है। अभी भी मैं सीख रही हूँ बहुत कुछ, जितना मुझे एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप भी चलाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे आपको आ जाएगा। एक रात में कुछ नहीं होने वाला कि आप एक रात में सब सीख लेंगे, ऐसा नहीं होता, कोई भी नहीं कर पाता ऐसे, सबको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो आपको भी करना है, आप भी करेंगे तो आ जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस करेंगे तो ही सही से आएगा, नहीं तो मुश्किल हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं नेक्स्ट आपको अब ये बताने वाली हूँ कि देखिए यहाँ पे एक लेफ्ट टर्न है, ठीक है, मैं ये लेफ्ट टर्न लूंगी, वहां पे जो लेफ्ट टर्न लेके उस जगह पे मैं जाके गाड़ी को रोकूंगी, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो स्टीयरिंग है, ऐसा मत सोचिए कि शायद स्टीयरिंग को मैं 2-3 बार ऐसे घुमा लूंगी तो अपने आप गाड़ी मोड़ जाएगी और उस टर्निंग ले लूंगी मैं। आप फोकस कीजिए लेफ्ट में जाके किस जगह पे आप गाड़ी को रोकने वाले हैं, या फिर लेफ्ट में लेके कौन से जगह से आप गाड़ी को चला के लेके जाएंगे, उस रोड पे फोकस कीजिए, ठीक है। स्टीयरिंग पे इतना मत ध्यान दीजिए, स्टीयरिंग अपने आप ऐसे घुमाएंगे धीरे धीरे, तो रास्ते को फॉलो करते हुए स्टीयरिंग धीरे धीरे जिससे घुमाएंगे गाड़ी आपकी ऐसे घूम जाएगी। तो मैं ये चला के दिखा रही हूँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने देखा कि मैंने कैसे गाड़ी को लेफ्ट में टर्न करवाया है, ठीक है। तो कुछ चीज़ यहाँ पे आप सेफ्टी का ध्यान रखिए, तो भी आप लेफ्ट में टर्निंग लेंगे तो गाड़ी को थोड़ा राइट में शिफ्ट करके टर्निंग ले। अगर ऐसे आपके टर्निंग में कर्व स्टोन है, पिलर है, रोड पे लग सकती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जब भी आप लेफ्ट में ऐसे टर्निंग ले रहे हैं तो गाड़ी को थोड़ा राइट में शिफ्ट करके फिर टर्निंग ले, गाड़ी को ज़्यादा जगह मिलेगी टर्न करने के लिए और आपकी गाड़ी फिर ऐसे कर्व स्टोन पे या पिलर पे नहीं लगेगा धक्का, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखें। ज़्यादा लेफ्ट में लेके टर्न करेंगे तो यहाँ पे जो कर्व स्टोन है यहाँ पे आपकी गाड़ी लग सकती है, तो गाड़ी को आप ज़्यादा लेफ्ट में लेके ना जाए। चीज़ मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि कैसे आप गाड़ी को थोड़ा राइट में शिफ्ट करके टर्निंग लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज आपने देखा कि कैसे स्टीयरिंग को कंट्रोल करना है, लगभग थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको मिल ही गया होगा वीडियो देख के कि स्टीयरिंग कितना घुमाना है, फिर आप टर्निंग लेंगे लेफ्ट में राइट में। बाकी फ्रेंड्स आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, आप चलाएंगे तो आपको समझ में आएगा कितना घुमाना है स्टीयरिंग। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, आप टेंशन भी मत लीजिए, आप प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, प्रैक्टिस की ज़रूरत है और कोई भी एक दिन में कुछ नहीं सीख पाता, सबको टाइम लगता है, आपको भी टाइम लग सकता है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं कार ड्राइविंग की और भी नॉलेज आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी। प्लीज़ वॉच माई वीडियोज़ एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।